हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट मी टू। मैं हूं तस्कीन, आप सबकी दोस्त, और आज हम आए हैं 6 बालीगंज प्लेस। ये न्यूली ओपन हुआ है तोपसिया बाईपास रोड में, तोपसिया बाईपास मोड में। यहाँ पे ICICI बैंक है, आप यहाँ देख रहे होंगे। ये इसी अपार्टमेंट के सामने आपको आना है, और ये है मेन गेट। महिंद्रा शोरूम है जस्ट इसके ही बिहाइंड में, आपको मिलेगा 6 बालीगंज प्लेस। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। और ये है हमारा 6 बालीगंज प्लेस। एंड सबसे अमेजिंग बात, सबसे वंडरफुल बात ये है, 50% का फ्लैट ऑफर हो रहा है थाली में। लोगों की भीड़ जमा होती है एवरी डे। 31 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है, तो देर मत करिए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आइए। और ये मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला। और ये ब्लॉग मैंने खासकर बनाया है उन बंगाली फूड लवर्स के लिए जो बंगाली फूड यहाँ कोलकाता में ढूंढते हैं। बंगाल से बाहर से लोग आते हैं, बंगाली फूड वो ढूंढते हैं यहाँ कोलकाता में। तो आप लोगों के लिए भी ये ब्लॉग मैंने बनाया है, ये वीडियो बनाया है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं 6 बालीगंज प्लेस में। पे लंच के लिए आई हूँ, और मैंने 2 घंटे पहले यहाँ पे रिजर्वेशन करा है लंच के लिए। 2 घंटे बाद का मुझे टाइमिंग मिला है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो 2-3 घंटे अपने हाथ में आराम से लेकर आइए, क्योंकि इतनी आसानी से यहाँ आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। लंच भी आपको ऑफर में दे रहे हैं, और डिनर के लिए भी ये आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सिर्फ इतना ही स्पेस नहीं है, फ्लोर है जहाँ पे इनका सिटिंग जोन है। अभी फर्स्ट फ्लोर में हूँ, और फर्स्ट फ्लोर में आप देख रहे होंगे इतनी ज़्यादा रश, इतनी ज़्यादा भीड़, और एक भी सीट खाली नहीं है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाहर में, और अंदर एसी जो बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉय करते हैं। मुझे पीतल और कासा में आपको यहाँ पे खाना आपको सर्व करते हैं, इनके खाने का मज़ा जो और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये वॉल में उन्होंने कोलकाता का हर एक बेस्ट पार्ट का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है। ये है कोलकाता का ये गंगा घाट। विक्टोरिया मेमोरियल के साथ जो बाल टांगा वाला होता है ना, वो है। तो फाइनली गाइस, मुझे सीट मिल गया है 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद। और मैंने ऑर्डर करा है फिश थाली, 365 रुपये की है। तो मुझे 50% डिस्काउंट हो गया, कितना आता है ये सब सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ मेरा वेलकम ड्रिंक आ चुका है, पीतल के बर्तन में ये झांच है। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेट्स ट्राई। टोटल रिफ्रेशिंग, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, चिल्ड है, अच्छा लग रहा है पीने में। आइस के क्यूब्स हैं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, और हल्का हल्का सा सॉल्ट का फ्लेवर है।
मेरी थाली लग चुकी है। जो थाली का जो मज़ा होता है ना, ये कटोरे एंड तांबे या पीतल के बर्तन सिर्फ 180 रुपए में फिश थाली, तो ये मेरी गर्मा गर्म मिर्ची कचौरी आ चुकी है और ये है मेरा फिश। एंड ये क्या है भाई? आलू दम। और ये मिर्ची दाल, सोना मूंग दाल। क्या चीज़? धोकर डालना, वेजिटेबल डाल दिए तो ये होता। अच्छा, धोकर डाल की दिए तो ये होइछे। এটা হচ্ছে আপনার ডাল দিয়ে तो फाइनली मेरी कचौरी एंड मेरी फिश। और ये है डेजर्ट में, ये गुलाब जामुन है और आलू दम है, ये मूंग दाल और ये कुछ सब्जी है। ये क्या है? चटनी, टमाटर चटनी, और ये भाजा। हाँ, ये ब्रिंजल फ्राई है। ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। खाना, खाने का जो अरोमा आ रहा है, रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, फाइनली मेरा राइस आ गया है। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले लूची कचौरी से। सबसे पहले लूची आलू दम से मैं शुरू करी। वाओ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है आलू दम, बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रॉपर बंगाली आलू दम वाला टेस्ट। अपने मूंग दाल के साथ लूची ट्राई करूँगी। मुँह में लेते ही गाइस, लाइक इट्स ऑसम टेस्ट यार। अब पता चल रहा है मुझे कि मतलब ये यहाँ पे क्यों ऐसे सुबह से लेके शाम तक लोग खड़े हैं घंटों घंटों एक थाली खाने के लिए। सीरियसली, इनका टेस्ट खाने का बहुत अच्छा है। ये सब्जी के साथ ये कचौड़ी शायद सिंपली ऑसम। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ राइस के साथ ये फिश। एक एक बाइट, एक निवाला जो है ना, वो मैं इंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इनका फिश का टेस्ट है। हल्का हल्का सा मीठा और ये मूंग दाल, इसमें पीस भी है, ये आप देख रहे होंगे पीस के साथ मूंग दाल। ये भाजा ट्राई करने वाली हूँ, बैगन भाजा, ब्रिंजल भाजा। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है जो हम लोग घर में बनाते हैं, ब्रिंजल फ्राई, ब्रिंजल भाजा। लेकिन ये वाली टेस्ट जो है ना, हम नहीं ला पाते जो इनके भाजा में जो टेस्ट है। अब हम ट्राई करेंगे ये वाली सब्जी। इसका टेस्ट ओके ओके है, थोड़ी सी स्वीटनेस ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ये सब कुछ मैंने ट्राई कर ही लिया है और खा ही लिया है। फाइनली ये चटनी बची है खाने के लिए, तो इसका टेस्ट देखते हैं ट्राई करके। ये टमाटर वाली चटनी, गॉड, स्टिल ही ऑसम, मज़ा आ गया खा के। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, अपने आप को रोक नहीं सकती मैं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए। कि मैं डिज़र्ट में ट्राई करने जा रही हूँ ये गुलाब जामुन। सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट, माउथ में जाते ये मेल्ट हो गया है। तो फाइनली मेरा खाना पीना हो चुका है, आई एम डन विद दिस। एंड आज खाना मैंने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एक बार और कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।